नाजिम चैनल और आशिका स्टूडियो, ये दो चैनल मेरे खुद के हैं। इस दोनों चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि ये इस चैनल से मेरे बहुत सारे वीडियो डलते रहते हैं। आप सभी लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, एक बार हाथ उठा करके आप लोग इजाज़त दें, मैं शुरू करूँ। पंजतन पाक के तू सदके में मेरे अल्लाह हलाज रख लेना। जिंदगी को सुरूर दे या रब, मुझको खुशियों का तूर दे या रब। जिंदगी को सुरूर दे या रब, मुझको खुशियों का तूर दे या रब। तेरे महबूब का दीदार करूं, मेरी आंखों को नूर दे या रब। मेरी आंखों का नूर दे रब। अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी बात उधर से समाप्त कर रहे थे, बहुत अच्छे फनकार हैं। नाम हकीक वारसी साहब, माजरत चाहती हूँ मैं आपसे, पहला ये हमारा एतराज है, पहली बार मुलाकात है हमारी। मैं बहुत छोटी सी फनकारा हूँ, आपसे भी इजाजत की तरफदार हूँ। आप सभी लोगों से अगर कोई गलती हो ही जाती है इंसान से, नज़रअंदाज कीजिएगा। अभी एक बात इन्होंने कहा था कि गा रहा हूँ मैं और उधर नोट देते हैं, अपने अपने दिल की मर्जी है, किसी के दिल पे हमारा अख्तियार थोड़ी है। कहना है भक्तों से मिलना चाहते भक्तों से मिलना चाहा तो फिर राम बन गया। जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, मैं इन सभी लोगों से तवज्जो चाहती हूँ। भक्तों से मिलना चाहा तो फिर राम बन गया, अहमद कभी बना कभी घनश्याम बन गया, घनश्याम बन गया। तेरे अनेक रूप है, तू है बड़ा अजीम, तुझको पुकारा जब भी मेरा काम बन गया। Okay, I'll
हेलो हेलो जी हेलो क्या बात हेलो ये मैक उधर दे दो तब जाती हूँ तुझको पुकारा जब भी मेरा काम बन गया कहना है अना पसंद मिजाजों ने भीख मांगी है अना पसंद मिजाजों ने भीख मांगी है दरे रसूल से शाहों ने भीख मांगी है अना पसंद मिजाजों ने भीख मांगी है दरे रसूल से शाहों ने भीख मांगी है वो एक चराग जो रोशन है सिर्फ तैबा में उसी से सारे चरागों ने भीख मांगी है डॉक्टर साहब कौन है मैं डॉक्टर साहब मैं आपसे तवज्जो चाहती हूँ पांडे सर कौन से हैं आपसे भी सर तवज्जो चाहती हूँ और आपका नाम क्या है राजू साहब मैं आपसे भी तवज्जो चाहती हूँ मुस्तफा साहब और हमारे बड़े भाई कमेटी में जितने भी मेंबरान हैं जलील सेठ माशाल्लाह मैं जलील साहब आपसे भी तवज्जो चाहती हूँ और कमरू साहब से भी मैं तवज्जो चाहती हूँ अब सभी लोगों से और मुस्तफ़ा साहब के साहबजादों से भी मैं तवज्जो चाहती हूँ कहना है क्या कहना है ये बात सच है कि कांटों को फूल करता है थोड़ा सा मदद कर दीजिए ये बात सच है कि कांटों को फूल करता है खुदा उसी की दुआएं कबूल करता है कबूल करता है उसी के चेहरे पे होती है बारिशें रहमत जो उठते बैठते जिक्र रसूल करता है ये डॉक्टर सलीम अंसारी साहब और मास्टर कलीम साहब की जानिब से ये बहुत सारे रुपए बहुत बहुत शुक्रिया कहना है दीने इस्लाम के परचम के हवाले कर दे कल 12 रबीउल अव्वल मनाया है सबने जितने भी आशिके रसूल हैं बेशक बेशक भैया रात भर यही होगा क्या मैं आपको बता दूं मैं थोड़ी सी गजनी हूँ अगर इधर उधर से कुछ डिस्टर्ब होता है ना तो मैं भूल भी जाती हूँ कि मैं बोल क्या रही थी और बहुत बड़ी बेसुरी भी हूँ मैं बेसुरी भी हो जाती हूँ तो डिस्टर्ब ना करें आप लोग कहना है दीने इस्लाम के परचम के हवाले कर दे खुद को अनवारे मुजस्सम के हवाले कर दे हवाले कर दे जिंदा रहना है अगर तुझको हमेशा के लिए तो जिंदगी शाहे दो आलम के हवाले कर दे हवाले कर दे लीजिए बिल्कुल नई नाते पाक पर ऐश्वर्य हूँ क्योंकि आप लोग ने झारखंड वालों ने हमारे थाना फरवारी जी भी बैठे हुए हैं मैं आपसे भी तवज्जो चाहती हूँ सुनेंगे बिल्कुल नई नाते पाक आप लोग ने मेरे बहुत सारे प्रोग्राम यूट्यूब पे सुना होगा और लाइव भी सुना होगा तवज्जो चाहती हूँ आप सभी लोगों से और यहाँ दो चैनल और भी नए आए हैं नई नाते पाक इस चैनल से भी इंशाल्लाह हमारी रिलीज होगी मैं पेश कर रही हूँ कहना है जो रहमत के गुल खिलाते हैं Oh,
झूम कर या रसूल अल्लाह कहिएगा, सुभान अल्लाह कहिएगा जरूर, और अगर जो बोल मैं गाऊं उसे दोहराने की कोशिश कीजिएगा। कहना है जो रहमत के गुल खिलाते जाती हूँ। गाना है क्या सुनेंगे? चलो चलो नबी जी बुलाते बहुत
नबी जी बुलाते हैं, नबी जी बुलाते हैं, नबी जी बुलाते मौजूद हैं। मैं सभी लोगों से तवज्जो चाहती हूँ, गाना है क्या सुनेंगे। आया है अब तो हज का महीना ए मोमिनो, आया है अब तो हज का महीना ए मोमिनो, आया है तो हज का महीना देंगे। आपके साहबजादे का नाम क्या है? मुमताज अंसारी साहब, मैं आपसे भी तवज्जो चाहती हूँ। माशाल्लाह मैंने जितनी तारीफ सुनी थी इस सरजमी की, उससे ज्यादा मैंने पाया। कमाल साहब ने बहुत रिक्वेस्ट किया था इस प्रोग्राम के लिए, मुझे यहाँ आना था, सो मैं आ गई। रुकावटें बहुत आई कुछ मेरे तरफ से और भी बहुत सारी, मगर अल्लाह को मंजूर था कि मैं यहाँ आऊँ, सो आ गई। जितने भी आशिके रसूल बैठे हैं, मैं चचा तवज्जो चाहती हूँ आप सभी लोगों से, अपनी माँ बहनों से, सुनेंगे और तवज्जो देंगे। कहना है क्या? उम्मत से प्यार करते हैं सरदार अंबिया, तरफ से भी हौसला अफजाई जरूरी है, जरूर जरूर सुनेंगे। और पांडे सर, मैं आपसे भी तवज्जो चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, आपके जितने भी
उस तरफ हम नवा बैठे हुए हैं, जितने भी चेयर पे हैं, माशाल्लाह इतनी भीड़ बढ़ गई कि लोग आना भी चाह रहे थे तो अब नहीं आ पा रहे। कुछ देर पहले तो कुछ रास्ता भी था, अब तो वो भी सब ब्लॉक हो गया है। तो मैं चाहती हूँ हौसला अफजाई करें तो थोड़ी आप लोग मदद कर दें एक दूसरे की, मैं तवज्जो चाहती हूँ। कहना है क्या सुनेंगे? खैरुल बशर है गुंबद खिजरा के गनी है। जाती हूँ
कमरुद्दीन साहब, आपको भी कोई बात अच्छी लगे तो मैं चाहूंगी कि आपके तरफ से भी हौसला अफजाई जरूरी है। जरूर, क्योंकि आपकी बड़ी मेहनत है मुझे यहाँ बुलाने में। जब मैं आ गई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप भी आ जाएं, तवज्जो देंगे। हाँ, चेंज ले लीजिए, मैंने तो सोचा 500 लेके आ रहे हैं हमारे कमरुद्दीन साहब, चेंज ले लीजिए। शाहे मदीना है वही खैरुल्ला नाम है। प्यारे नबी जी अर्श के जीने में मिलेंगे। जिस पर नबी जी पाक का हो जाए